मौजूदा दौर मानो जैसे कि तनाव जैसी स्थिति से गुजर रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई आत्महत्या नहीं करता हो। हैरानी की बात है कि इस तरह का कदम उठाने वालों में अधिकतर शिक्षित लोग हैं। अब मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐसी ही एक वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वैशाली ठक्कर की आत्महत्या का मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के साईबाग कॉलोनी का है। कई साल से इंदौर में रह रही टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर ने अपने इंदौर स्थित घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ठक्कर ने अपने करियर की शुरुआत स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से की थी। इस सीरियल में संजना का किरदार निभाया था, जिससे ये बहुत फेमस हो गई थी। अभी तक की जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। वैशाली ठक्कर ने अपने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की थी। साल 2015 में उन्हें स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता में संजना का किरदार निभाने का मौका मिला था। उन्होंने इस टेलीविजन शो से खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। इस शो के बाद वे ये वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर लाल इश्क, विश और अमृत में नजर आई। वैशाली का सबसे पॉपुलर किरदार ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का था, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन पेटल अवार्ड के बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल से सम्मानित भी किया जा चुका है। साल 2019 में वैशाली टेलीविजन शो मनमोहिनी में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने मानसी का किरदार निभाया था। टेलीविजन के अलावा वैशाली ने फिल्मों में भी काम किया है। वैशाली मूल रूप से उज्जैन के मेहंदीपुर की रहने वाली है। ये कोई फिल्मी कलाकारों को इस तरह से आत्महत्या करने का कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई कलाकारों ने किसी न किसी वजह से आत्महत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स।